हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर फाइव ओके ठीक है तो ये आपका थर्ड मॉड्यूल है ओके टॉपिक है सोलर सिस्टम हमने लास्ट टाइम सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स थे उनके नाम पढ़े थे है ना तो सोलर सिस्टम क्या होता है जिसके सेंटर में सन हो और उसके अराउंड प्लैनेट्स जो घूमें उस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं है ना तो हमने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम पढ़े थे तो आज आपने इस वर्कबुक पे क्या करना है कि यहाँ पे नेम दिए गए हैं प्लैनेट्स के उनको मैच करना है सही पिक्चर के साथ ओके सो फर्स्ट यहाँ पे है एम ई एम ई से आप गैस कर सकते हैं कि क्या होगा एम ई मीन्स मरकरी सो फर्स्ट इज़ मर्करी देन नेक्स्ट वी वी फॉर वीनस ओके okay? यहाँ पे है नेक्स्ट एन एन फॉर नैपचून देन एस एज फॉर सैटर्न अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सैटर्न प्लानट है इस प्लानट के अराउंड में एक रिंग बना है बाकी किसी भी प्लानट के अराउंड में रिंग नहीं है है ना तो एज फॉर सैटर्न जे फॉर जुपिटर ई फॉर अर्थ दिस इज अवर होम प्लानट अर्थ इज अवर होम प्लानट है ना हम इसी प्लान पे रहते हैं क्यों सिर्फ इसी प्लानट पे हम रह सकते हैं बाकी प्लैनेट्स पे नहीं क्योंकि अर्थ के अराउंड एक लेयर है किसकी लेयर है एयर की सिर्फ अर्थ के अराउंड ही एयर है बाकी प्लानट्स के अराउंड एयर नहीं होती इसीलिए बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती ओके सो ई फॉर अर्थ एम ए एम ए फॉर मार्स एम ई फॉर मरकरी एंड एम ए फॉर मार्स एंड यू फॉर यूरेनस ओके तो ये है कुछ प्लानिट्स मतलब ऑल प्लानिट्स हैं और उनके नेम ठीक है नाओ दिस इज ऑन नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्स यहाँ पर आपने क्या करना है सोलर सिस्टम बना हुआ है इसमें पिक्चर को जो ये इसके प्लैनेट्स हैं उन्हें कलर करना है अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे दिया गया है ठीक है अब देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है ये एक पार्ट दिखाया गया है जैसे कि ये पूरा ऐसे होता है सेंटर में सन उसके अराउंड जो है वो ऐसे प्लानिट्स की ये रिंग्स होती हैं ठीक है थीके? ये थोड़ा सा पार्ट दिखाया है उन्होंने इतना सा पार्ट दिखाया है फिर ये ऐसा ही दिखेगा ना ऐसा ऐसा ठीक है तो ये कुछ पार्ट है ओके तो ये सेंटर में सन होता है उसके बाद मरकरी देन वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपचून आप जब इनके नेम अच्छे से लर्न करेंगे तो आप सिक्वेंसली सीरियली इन्हें ला लर्न करना ठीक है फर्स्ट मर्करी सेकेंड वीनस थर्ड अर्थ ऐसे करके ठीक है तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड नंबर पर है अब यहाँ पर क्या करना है हमें कलर द सिक्स प्लानट फ्रॉम दन सन से जो सिक्स प्लानिट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये वाला इसे हमने करना है येल्लो कलर ओके देन कलर द सेकेंड प्लानिट फ्रॉम दन पिंक जो सेकेंड प्लानिट है सन से उसे हमने करना है पिंक यह है सन दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड तो सेकेंड है वीनस वीनस को करेंगे पिंक देन थर्ड क्या है कलर द थर्ड प्लानट फ्रॉम दन ब्लू एंड ग्रीन सन से दो थर्ड प्लानिट है उसे ब्लू एंड ग्रीन करना है हमें वो क्या है हमारा अर्थ कलर द फोर्थ प्लानिट फ्रॉम द सन सन से फोर्थ प्लानिट जो है ये मार्स उसे हमने करना है रेड तो ऐसे ही हमें ये सारे पढ़ के इन्हें कलर करना है ठीक है तो आप सभी बच्चे खुद से इसकी रीडिंग करके इसमें कलर फिल करोगे ठीक है इससे क्या पता चलता है जैसे एस्ट्रोनॉट ने हमारा अर्थ देखा था तो उन्हें ग्रीन और ब्लू कलर का दिखा था इसीलिए ग्रीन और ब्लू कलर किया है ना इसका मतलब बाकी कलर्स बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी कलर की शेड जो है वो यही होती है इसीलिए इन्होंने यही कलर करने के लिए कहा गया है ठीक है तो आज आप ये होमवर्क करें और इनके नेम्स भी आप अच्छे से लर्न करें ओके थैंक यू